मॉर्निंग। तो अभी टाइम हो रहा है 10:30। और जैसा कि मैं कल आप लोग को बोला था, हम लोग सुबह का 6 बजे हेनरी आइलैंड जाएंगे, लेकिन कल रात को हम लोग बहुत रात तक फ्रेंड्स लोग गप्पे लगाया था, इसलिए सो गया था, सुबह नहीं उठ पाए। तो हमारा वो प्लान तो पूरा वेस्ट हो गया। तो चलो अभी कुछ करने का तो है नहीं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं हेनरी आइलैंड। तो वहाँ पे जाएंगे, घूमेंगे और देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक फिशरी का एक जगह है जहाँ पे फिशिंग होता है, तो वो भी हम लोग अगर टाइम मिलेगा तो हम लोग जाएंगे। तो चलिए, मेरा फ्रेंड्स लोग भी रेडी हो गया है और हम लोगों का बैग पैक टोटल रेडी है। तो चलो हेनरी आइलैंड जाके फिर से आप लोगों से बात करें। ओके गाइस, सो फाइनली अभी हम लोग रोड पे है। एंड आज सुबह मैंने ब्लॉग का स्टार्ट करना भूल गया था मेरा स्टाइल में, सो अभी करते हैं। सो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल बॉन्ग एक्सपर्ट। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे? अभी हम लोग जा रहे हैं हेनरी आइलैंड की ओर। एंड चलो, ये लोकेशन आप लोग देखो कितना सुंदर है। मतलब मेरा राइट साइड में देखो, ये जो सारा जगह है ये फिशरी का ही है। मतलब ये लोग यहाँ पे फिशिंग करता है एंड इसके बाद यहाँ से जो है टोटल जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है कोलकाता और ईस्ट साइड में। सो चलो जाते हैं। एंड ये आप लोग देखो मेरे राइट साइड में जो स्काई है वो कितना ड्रामेटिक फील दे रहा है यार। सो मतलब आज तो जो है थोड़ा बहुत धूप है, ठीक है, लेकिन जो रोड का जो कंडीशन है वो बिल्कुल ड्राई है, बहुत सुंदर है। तो चलो जाते एंड इन्जॉय करते हैं। ओके गाइस, सो दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हेनरी आइलैंड। एंड आप यहाँ का जो लोकेशन है वो देखो, मतलब कितना सुंदर है, फुल ड्रामेटिक फील दे रहा है, जैसा कि लग रहा है हम कोई फिल्म की कोई सेट में आ गए। सो ये मेरा डाइने और देखो कितना सुंदर लोकेशन है एंड ये जो है बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझको। एंड चलो जाते हैं अभी और सामने का जो लोकेशन है वो फिलहाल डिस्कवर करते हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत अच्छा लोकेशन है। सो चलो आप लोग आगे का जो लोकेशन है वो एंजॉय करो। सो गाइज, मैं आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, जो कि है अगर आप लोग थोड़ा मतलब पीस के लिए आ रहे हो तो आप लोग हेनरी आइलैंड आ सकते हो। यहाँ पे अभी रहने का जो है बहुत सारा होटल यहाँ पे अभी अवेलेबल हो गया है। सो मतलब बौखली जो है वो भी अच्छा है, बट बौखली में थोड़ा बहुत क्राउड रहता है, लेकिन ये जो जगह है ये एकदम खाली रहता है, ये बहुत पीसफुल रहता है। एंड बीच साइड जो है वो भी बहुत खाली रहता है। तो आप लोग अगर थोड़ा एक दो दिन अगर शांति के लिए आ रहे हो तो ये लोकेशन आप लोगों के लिए बेस्ट होगा। सो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि अगर आप आते ही हो तो, वैसे हम लोग तो बौखली रहते हैं लेकिन आप लोग यहाँ पे स्टे कर सकते हो। सो मैं जैसे कि आप लोगों को बोल रहा था होटल के बारे में, सो आप मेरे लेफ्ट साइड में मेरे सामने जो सब ये देख रहे हो ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का ही यहाँ पे होटल एंड लॉज वगैरह है। सो अगर आप आते हो तो यहाँ पे आप पहले से बुकिंग करके आ सकते हो, क्योंकि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है वहाँ पे आप इन सब होटल का लिंक वहाँ पे रहेगा और वहाँ से आप प्रीवियसली बुकिंग करके आ सकते हो। एंड मेरा जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो ये लेक, ये बहुत ही सुंदर एक है, ऊपर में फ्लैग वगैरह है, सब कुछ है। सो ये जो लोकेशन है बहुत अच्छा लग रहा है मुझको। एंड आगे मतलब बीच एकदम क्लोज में ही है, सो चलो जाते हैं और जो है बीच वो डिस्कवर करते हैं। एंड ये जो लोकेशन है, मैं फिर से बोलूँगा ये लोकेशन बहुत बहुत अच्छा है यार। गाइस, ये जो लोकेशन है अभी आप लोग देख रहे हो ये बहुत ही सुंदर है, लेकिन ये अभी मैं जहाँ से वॉक कर रहा हूँ ये जो है ये अभी फिलहाल हाल ही में बना हुआ है, क्योंकि लास्ट साल तक मैं दूसरा सारा ब्लॉग देखा हो तो ये जो है कंक्रीट का ऐसा कुछ अभी तक बना नहीं था। तो इस साल हम लोग आने की कुछ देर मतलब कुछ दिन पहले ही ये जो है ये लोकेशन एकदम कंप्लीट हो गया है। यानी ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, हम लोगों को वॉक करने में एक मज़ा आ रहा है, एक अलग सा वाइब मिल रहा है। आप लोग सामने का जो देखो ये मतलब दो साइड जो है पेड़ का एक मतलब ये
ट्री है, ट्री का एक आर्च बना हुआ है। सो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। एंड सामने ही जो है वो बीच है, ये लग रहा है एक सीक्रेट बीच टाइप लग रहा है, क्योंकि आप लोग पीछे से जब आओगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि सामने कोई बीच हो सकता है, लेकिन अभी आप लोग सामने देख पाओगे। ऑलरेडी ये देखो सामने आप लोगों को शायद बीच दिखाई दे रहा है, लाइट का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन फिर भी ये जो है मेरा सामने ये है आप लोगों का बीच। गाइज नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर राइड टूवर्ड्स कोलकाता। एंड दोस्तों अभी जो टाइम हो रहा है वो 3:30 हो रहा है टाइम। एंड शिट मैन अभी एक बवाल हो जाता है। सो चलो यहाँ से, और जो है वो हातानिया दुआनिया का डिस्टेंस 20 किलोमीटर के आसपास है। एंड अभी ज़्यादा कुछ दिखाने का फ़ायदा नहीं है, तो चलो डायरेक्ट वहाँ पर जाते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों फिलहाल अभी हम लोग जो हातानिया दुआनिया का रिवर जेटी का जो ये ट्रॉलर है इसमें अभी हम लोग इंटर करते हैं। एंड चलो उस पर जाके आप लोगों से बात करते हैं फिर से। सो गाइज ये जो रिवर क्रॉस करने में टोटल टाइम लगता है 15 मिनट, मतलब ये पूरा फुल हो जाने के बाद उस साइड से इस साइड आने में टाइम लगता है 15 मिनट। एंड दोस्तों अभी वो जो सेम रूट होगा तो अभी मैं ब्लॉक कंटिन्यू नहीं करूँगा, तो एकदम डायरेक्ट डायमंड हार्बर जाते हैं एंड फिर से ब्लॉक कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम लोग जस्ट डायमंड हार्बर आके पहुँचे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हो सोमनाथ दा, तो ये सोमनाथ दा है और ये पापाई है, ठीक है। शुभजीत दा से आपको पहले दिन ही मुलाकात हो गया था। तो चलिए अभी हम लोग, हमारा राइड अभी एंड होने को आया है। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है nilanjan_chatterjee, तो आप इंस्टाग्राम में भी मुझको फॉलो कर सकते हो। तो चलो फिर से नेक्स्ट राइड में आप सबसे मुलाकात होगा, तब तक के लिए गुड बाय।